66 साल हो गए आजादी को, अगर ये बातें नहीं खत्म होंगी कि रोज ही हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, रोज ही कॉफिन नीचे आ रही है। आज भी आपने देखा कि कोई कोई ना कोई वैली में मरता है। चार लड़ाइयां हो चुकी, 47 की, 65 की, 71 की और फिर कारगिल की। कितनी लड़ाई चाहते हैं हम? ये तो होते ही रहेंगे क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट है पाकिस्तान आर्मी में और थोड़ा बहुत करता रहेगा, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वी शुड नॉट फाइंड अ सोल्यूशन। सोल्यूशन होना पड़ेगा, पीस आनी पड़ेगी, तभी ये बॉडीज जो आ रही हैं ऊपर से रुकेंगी। दीनानगर हो गया, अब यहाँ पठानकोट हो गया, और भी होंगे आगे को, क्योंकि कुछ इंटरेस्ट है पाकिस्तान आर्मी। अगर देखिए मेरी व्यूज हैं, चाइना के साथ उनकी दोस्ती है, अगर हिंदुस्तान के साथ पूरी दोस्ती होगी कि इनकी रेलिवेंस क्या रह जाएगी फौज की। सो दिस इज अ वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ द आर्मी विच इज टॉकिंग, द ISI विच इज टॉकिंग। इट इज नाउ फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान टू गेट हिज आर्मी एंड ISI अंडर कंट्रोल। ये जैश ए मोहम्मद ने किया, जैश ए मोहम्मद को कंट्रोल कौन करता है? ISI। ISI नहीं चाहती, अगर ISI चाहे उनको रोक सकती है। उन्होंने छोड़े हैं इन लोगों को, क्यों? क्योंकि वो थोड़ी गड़बड़ रखना चाहते हैं। 99% पाकिस्तान पीस चाहता है, अगर 1% पीस नहीं चाहता वो है फौज, और उनको कंट्रोल करना पड़ेगा इस गवर्नमेंट को, अगर कर सकती है उधर पाकिस्तान गवर्नमेंट को। इट डिपेंड्स के उसमें कौन है उस टीम में, और क्या वो, जैसे मैंने कहा है, इज द आर्मी ऑन बोर्ड। पता लगा है कि दो बार उनकी आर्मी चीफ ने इसके बारे में मीटिंग की है, सो उनका क्या इंटेंशन है वो इरादा पता लग जाएगा थोड़ी देर में, अगर वो सीरियस है या नहीं। देखिए अगर जब बात चलती है तो ये जो मैं इनको पिन प्रिक्स करता हूँ ये तो चलेंगे, ये तो हम रोक नहीं सकते, ये जैसे अगर आर्मी जब तक नहीं ऑन बोर्ड होगी। लेकिन अगर हम जब भी ये बात होती है हम टॉक्स को तोड़ देंगे तो फिर कभी भी प्रोग्रेस नहीं होगा। दिस प्रोग्रेस इज टॉक्स मस्ट कैरी ऑन एंड वी मस्ट हैव पीस। पंजाब कैन नॉट, इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू लूज।